आमिर अली से शादी के बाद संजीदा हो गई थी डिप्रेशन का शिकार। लव मैरिज के बाद भी आमिर संग रिश्ते में खुश नहीं थी संजीदा। 8 साल पुरानी शादी तोड़ने को बताया बेस्ट फैसला, तो तलाक के बाद अब खुद को भाग्यशाली मानती हैं एक बेटी की माँ। जी हाँ, 8 साल पुरानी शादी टूटने, पति आमिर अली से अलग होने और 5 साल की बेटी की अकेले परवरिश करने के बाद भी खुद को भाग्यशाली मानती हैं संजीदा शेख। आमिर अली से तलाक को संजीदा अपना बेस्ट फैसला मानती हैं और खुद को लकी बताती हैं। यूं तो संजीदा शेख और आमिर अली का तलाक हुए भी लंबा अरसा गुजर चुका है। शादी के 8 साल बाद साल 2020 में संजीदा ने आमिर अली का घर छोड़ दिया था, तो वहीं साल 2022 में आमिर और संजीदा के तलाक पर कानूनी मोहर भी लग गई थी। अब आमिर से तलाक के ऑलमोस्ट 2 साल बाद संजीदा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और वो खुलासे किए हैं जिनसे उनके चाहने वाले अभी तक अनजान थे। संजीदा के मुताबिक वो शादी के बाद तनाव में रहने लगी थी, डिप्रेशन की भी शिकार हो गई थी। वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। अपने उस तनाव भरे दौर के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे उभर कर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शायद तब मुझे महसूस हुआ कि मैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी या बहुत दुखी और तनाव में थी। मैं सोचती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस सब से उबरने के बाद अब जैसी मैं हूँ खुद को देखकर धन्य महसूस करती हूँ। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने इशारों इशारों में उस प्रॉब्लम के बारे में भी बात की है जो आमिर और उनके अलगाव की वजह बनी है। संजीदा ने कहा कि ऐसे बहुत से पुरुष और बहुत से पार्टनर हैं जो आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, जो आपसे कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते या फिर कहेंगे कि तुम ये नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। हर रिश्ते में ऐसे पड़ाव आते हैं जब आप खुश होते हैं, या फिर कुछ ऐसे पल होते हैं जब आप खुश नहीं होते हैं और फिर आप अपनी जिंदगी का फैसला लेते हैं। यही मैंने अपने लिए किया क्योंकि मैंने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया और मैंने खुद को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब भले ही संजीदा ने अपने इस बयान में आमिर अली का नाम नहीं लिया है, लेकिन लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं संजीदा ने ये इशारा जरूर दिया है कि अपनी शादी में पति आमिर के रवैये से वो परेशान थी, इस रिश्ते में वो घुटन महसूस कर रही थी। आपको बता दें कि लंबे वक्त से संजीदा का नाम बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे के साथ जुड़ रहा है। कहा जाता है कि फिल्म तैश की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी, जिसके बाद संजीदा ने आमिर से अलग होने का फैसला ले लिया था। संजीदा और हर्षवर्धन ने अभी तक अपने रिलेशनशिप का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स कई बार इनकी चोरी पकड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।